हे गाइस, तो आज हम समझने वाले हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। अगर इन्वेस्टिंग में आप एक बिगिनर हो तो आप इस डाइवर्सिफिकेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यू नो, हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करो। तो इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि आप कैसे अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यू नो, अगर आप एक रियली अगर बिगिनर हो आप इन्वेस्टिंग में, डाइवर्सिफिकेशन कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। वीडियो शुरू शाम तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इनो, आपको हमेशा सुनने को मिलते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करो। देखो, पहला डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आपका जो टोटल वेल्थ है, मान लो 20 लाख रुपीज आपके पास है, 10 लाख रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसे बॉन्ड्स में, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में। होता है पूरा अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करना। कहने का मतलब यह है कि कभी भी जो अपने वेल्थ है वो किसी एक चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाएगा तो पूरा जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि मान लो रियल इस्टेट से मुझे पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से हमें पैसे मिलते रहते, इसलिए हम अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपने अभी कॉलेज कंप्लीट की है और जॉब ज्वाइन किया है, तो आपके पहले तो इनकम अगर कम है, यू नो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल लोग का 25-30 हज़ार मैक्सिमम होता है इंडिया में, इंजीनियर हो चाहे टेक्नीशियन हो, जो भी हो। तो हम इनके बात कर रहे हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में फिलहाल पैसे छाप रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। तो वो लोग अगर अभी स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो क्या है ना, पहले पैसा है ना तो किसी को फियर होता है, वो ऐसे ही आँख बंद करने नहीं लगा देते पैसे। तो पहले स्टॉक मार्केट सीखते हैं, देखते हैं, उसी चीज़ को हम बिगिनर करते हैं। तो उस समय क्या है ना, पर मंथ आपने म्यूचुअल फंड में चाहे स्टॉक मार्केट में 3,000-4,000 अपने सैलरी का 10% तक इन्वेस्ट करते हैं। ओके, उस समय डाइवर्सिफिकेशन करना कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप 20 लाख रुपया 10 लाख 5 लाख लगाते हो ना, तो समझ में आता है, चलो हाँ डाइवर्सिफाई कर रहे हो आप, 10 स्टॉक बाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने आपके वजह से स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया और मैं 500 रुपया ट्रेड कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट, यू आर लर्निंग मैन। ओके, कहने का मतलब ये है, जब 500 और 400 और 1000, 2000, 4000, 10000 आप डाइवर्सिफाई करते हो ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने ये भी बहुत जगह देखा है कि आप न्यूज़ सुनते हैं कहीं से, ये देखा नहीं, ये मैंने किया ऐसे, हम न्यूज़ सुनते हैं कहीं से कि यू नो बैंक सेक्टर में रैली आने वाली है, तो क्या करेंगे, मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है, तो 2,000 का HDFC बैंक, 2,000 का PNB बैंक, 2,000 का SBI बैंक ही खरीद लेते हैं हम, 2,000 का। ये गलत है। अभी जैसे कि फार्मा सेक्टर में, तो मुझे बहुत जगह ऐसे सुनने को मिला कि फार्मा सेक्टर रैली करने वाला है, तो क्या करो, हर एक कंपनी का 2,000 का शेयर खरीद लो। ये 1000% रॉन्ग है। ओके, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता और इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, आप कहीं नहीं जा रहे। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ऐसे होता है, मैंने किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्टॉक में फायदे होते रहते हैं, एक में नुकसान हो रहे होते हैं, और आपको वैसे ही पोर्टफोलियो रह जाता है हमेशा के लिए। तो अभी तक हमने बात किया कि जो मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के चल रहे हैं, उसके बारे में बात किया। अब आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हम करें क्या। यू नो, अभी मैं 3,000-4,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो हमें करना क्या चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, पर मंथ अगर 500 भी लगा रहे हो ना, स्टार्टिंग में तो पहली बात ह्यूज पैसा लगाना नहीं है, आपको सीखना है, जहाँ पर नॉलेज नहीं है वहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप 500 रुपया भी लगा रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस 500 रुपये को 5 लाख समझना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 रुपये को 5 लाख समझो और उसके बाद उस 500 को लगाओ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, 500 रुपये को 5 लाख समझ के लगाने का फ़ायदा क्या होगा, ये मैं बताता हूँ। जब आप 500 रुपये को 5 लाख समझ के लगाते हो ना, तो कभी भी आप मतलब गंदगी नहीं खरीदोगे, गंदगी इन द सेंस यू नो गंदे स्टॉक बाई नहीं करोगे। अब करोगे क्या, जब 500 रुपये आपके लग रहा है ना कहीं, आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे। एंड ऑफ द डे मैं आपको बताता हूँ, भले ही आप 500 को 5,000 नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपके पास नॉलेज होंगे। इन फ्यूचर जब आपके पास लाख करोड़ रुपीज होंगे ना, तो आप हिचकिचाओगे नहीं उस 5 लाख और 5 करोड़ को इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको पता होगा कि कैसे मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। और यही चीज़ आपको मार्केट से सीखनी है। अभी भले ही आप 500-1000 रुपये डाल करके सीख रहे हो, 3,000 रुपये डाल कर सीख रहे हो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके पास 5 लाख 5 करोड़ रुपये होंगे, और उसको आप चाहोगे कि मैं कैसे इसको मेंटेन रखूँ, चाहे इसे बढ़ाऊँ, कुछ हमें रिटर्न मिले। उसमें आप थोड़ा सा भी हिचकिचाओगे नहीं, आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज होगा, कैसे काम करता है, कैसे सिस्टम चलता है, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट। सो ये फ़ायदा होगा आप 500 को जब 5 लाख समझ के लगाते हो मार्केट में। यहाँ पे एक चीज़ और, हमेशा क्या होता है ना, एज ए बिगिनर जब हम सुनते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो,
तो हम 500 रुपये तो हमारे मतलब बजट है, चाहे 5,000 है, कुछ भी है मान लो, तो उस समय हम क्या करते हैं ना कि हम लोग पेनी स्टॉक बाई करते हैं। पढ़ते नहीं है कि यार बुढ़ापे तक तो 5,000 हो ही जाएगा, 5,00,000 हो ही जाएगा। पेनी स्टॉक 100-100 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं 5 कंपनी में, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही हम समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। 500 रुपया 1,000 रुपये जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। ओके, आप 500, 1,000, 1,00,000 में कहीं नहीं जा रहे हो। अब लोग कैसे नहीं जा रहा हूँ, 1,00,000 में अगर आपको 100% रिटर्न मिलता है कितना हुआ, 2,00,000 रुपया। आप स्टॉक मार्केट क्यों आए हो, क्योंकि आपको बड़े सपने हैं, और मेरे को नहीं लगता आपको 2,00,000 में बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं, 10,00,000 लगाते हो, 100% रिटर्न मिला 20,00,000 रुपया, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप जहाँ हो वहीं रहोगे, लेकिन यहाँ से आप यही सीख सकते हो कि यू नो हाउ मार्केट वर्क्स, और कैसे इस 10,00,000 को हम करोड़ बना दें। ओके, ये चीज़ें आप 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर सीख सकते हो और इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपये को 5,00,000 समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप ऐसे सोचोगे ना तो आप कंपनियों के बारे में पढ़ोगे, सीखोगे क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। अच्छा, अब जब आप कम पैसे को डाइवर्सिफाई करते हो ना तो नुकसान कहाँ होता है बताता हूँ। मान लो आपकी 30,000 सैलरी है, आप 10% स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, 3,000 रुपया हर एक मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो। अब 3,000 रुपये में आप जनरली, हमारा माइंड क्या करता है ना कि डाइवर्सिफाई करना है तो कम से कम ज़्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, राइट? एक क्वांटिटी क्या डाइवर्सिफाई करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हम गलती करते हैं कि जब 3,000 हमारे पास कम पैसे होते हैं ना तो हम लोग पेनी स्टॉक बाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, उस कंपनी के बारे में पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें केवल सुना है कि डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, तो हम पेनी स्टॉक बाई कर लेते हैं 100-100 क्वांटिटी और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ओके, अगर आपके 3,000 है ना, 3,000 रुपया, उस 3,000 रुपये को ना आप 1,000 क्वांटिटी बाई करने कोई भी स्टॉक जरूरी नहीं है कि आपके बुढ़ापे तक ये 5,00,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यही करना है, 3,000 का अगर आप किसी कंपनी में पढ़ रहे हो उसका प्राइस अगर 3,000 रुपये आना है स्टॉक प्राइस, तो एक ही शेयर बाई करो। ओके, अब रिटर्न सबका सेम ही मिलता है, जितना पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। ये किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा नहीं होता कि पेनी स्टॉक 5,000 क्वांटिटी बाई कर रहे हो तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे 3,000 रुपये का, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जान लो, अगर 500 रुपये का एक अच्छा स्टॉक जिसके बारे में आप नॉलेज है, पढ़े हो, अगर वो 500 का मिल रहा है ना तो आप 6 क्वांटिटी बाई कर लो अपने 3,000 रुपये का। ओके, अगर 1,000 का एक क्वांटिटी मिल रहा है ना तो 3 स्टॉक बाई करो उस कंपनी का। और एज ए बिगिनर ये सोच के बाई करो कि अगर फ्यूचर में स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, चाहे यू नो मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, या इन फ्यूचर मेरे पास जब पैसे होंगे ना तो इसमें और स्टॉक में बाई कर सकता हूँ। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखो कि मुझे फ्यूचर में इसमें और बाई करना है। अभी मैंने 6 क्वांटिटी बाई किया, अभी मैंने 3 क्वांटिटी बाई किया, लेकिन बाद में इसमें और बाई करूँगा। और आपको पूरे पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते। 8 स्टॉक 9 स्टॉक जनरली रखो। एज ए बिगिनर मतलब आपके पास कम पैसे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन में कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, वहाँ पर आसानी से मूर्ख बन जाते हैं और अपने पैसे को गंवा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने जितने ही पैसे हैं अगर आपको एक स्टॉक अच्छा लगता है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, उसमें एक ही क्वांटिटी बाई करो, 3,000 का 2,000 का 1,000 का, एक ही क्वांटिटी हर एक मंथ बाई करो। और जैसे जैसे यू नो एक लिमिट आ गया कि हाँ इसमें मैंने 50,000 1,00,000 रुपये लगा दिए इस स्टॉक में, अब आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो दूसरे स्टॉक बाई करने के लिए। एज ए बिगिनर आप ऐसे प्ले कर सकते हो। दूसरा, ये ऐसा आप कभी मत करो यू नो कि 500 रुपये हैं तो 100-100 क्वांटिटी पेनी स्टॉक बाई कर लिया और 500 रुपये को डाइवर्सिफाई कर दिया। यूजुअली लोग यही करते हैं, मैं ऐसा करता था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सेव।